हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम एंड फॉर टूडेज क्लास आई हैव चूजन द टॉपिक इन व्री मैनेजमेंट सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास लेट वी डिस्कस दैट व्हाट वी आर डूइंग अब तक हम कर चुके हैं एम सी रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग तो उसके सारे चैप्टर वाइज एम सी हम डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दिया है और अकाउंट्स के बाद अब हम एफ एम के एम सी क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं ठीक है चैप्टर वाइज मेरा मोटिव क्या है कि एम सी क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके किस चैप्टर की आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है जब हम चैप्टर वाइज हमसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अगर हम मैक्सिमम आंसर सही दे पा रहे होंगे तो हमारा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है अगर गलत हो रहे हैं तो हमें उसे रिवाइज करना है ठीक है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहा आता है देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं विच आर दूज इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारे पास दो डिसीजन होते हैं कौन कौन से सर लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर हम डिसीजन ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर डिसीजन ले रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर डिसीजन है तो वो होता है हमारा कैपिटल बजटिंग राइट और शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो उससे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिसीजन आते हैं जिसमें हमारे पास आता है कैश मैनेजमेंट फिर आता है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और पेमेंट्स मैनेजमेंट पेबल्स मैनेजमेंट ये सारे हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं कैश मैनेजमेंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट So in today's class we are going to discuss five MC questions related to inventory management. Okay? If you have any doubts then you can ask that in our Telegram group that is ESI Deputy Director Anuj Jindal. So not only for FM or accounts you can ask doubt related to any subject related to ESI. All faculty will answer that, uh, answer your doubts in the group. Right. You can also download our app, and in app you get daily GK quizzes, exam updates, proper strategies, live video sessions, past year papers, and monthly GK. If you want to boost your performance, you can enroll in the ESI Deputy Director course by going on AnujDindel.in. Right. So let's begin with today's class. The first question is the following information is available in respect of inventory cost of the firm total annual consumption of 600 units cost per unit rupees 6 order cost rupees 10 per order carrying cost is 20% of the value calculate eoq so in first question we have to find economic order quantity economic order quantity ठीक है बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन करना क्या है आपको कि एक पेपर लेना है उस पेपर में फाइव तक नंबरिंग देनी है फाइव क्वेश्चंस के आंसर मेरे से देने से पहले आपको चेक करने हैं मतलब आपको लिखने हैं उसमें और चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही होते हैं और कितने के रॉन्ग होते हैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ये है। अगर गलत हो रहे हैं, और right? तो EOQ हमें निकालना है इस क्वेश्चन में हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है अच्छा ईयो क्यू निकालने से पहले ईओ क्यू होता क्या और कंसेप्ट समझ लें तो जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस को इन्वेंट्री परचेज करनी होती है, राइट right? तो एक बारी में कितनी क्वांटिटी परचेज की जाए एक बारी में कि लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन गई कंपनी गई इन्वेंट्री परचेस करने एक बारी में कितनी क्वांटिटी इन्वेंट्री की परचेज की जाए लेट सपोज अगर शर्ट की ट्रेडिंग फर्म है तो लेट सपोज 500 शर्ट्स खरीदें एक बारी में या 300 शर्ट्स खरीदें वो डिटरमाइन करता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी राइट सो वट इज द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ईओक्यू क्यू की हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज ड्यूरिंग बाइंग अब ईओक्यू डिटरमाइंड करने में हमारी दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं कौन कौन सी दो कॉस्ट एक आती है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट एक आती है हमारे पास सेटअप या फिर ऑर्डर कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट और क्या कह सकते हैं हम कैरिंग कॉस्ट पहले इन कॉस्ट को अच्छे तो से समझेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर कॉस्ट ले लेते हैं या सेटअप कॉस्ट ले लेते हैं ऑर्डर कॉस्ट का इधर मतलब क्या है देखो एक एग्जाम्पल लेंगे कि लेट सपोज हम परचेज करने जा रहे हैं शर्ट्स ही लेते हैं शर्ट्स परचेज जाने जा रहे हैं अगर कंपनी एक बारी में वन थाउजेंड ला रही है एक जगह और दूसरे केस में लेट सपोज एट थाउजेंड शर्ट्स ला रही है एक बारी में इन वन टाइम परचेज करने टाइम ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है सर कि जब वो परचेस करने जाएगी तो जब जो परचेज करने के टाइम पे जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल जब मैं थाउजेंड शर्ट्स परचेज करने गया तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देनी पड़ेगी दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट है राइट right? अब मुझे एक बात बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट किस केस में ज़्यादा होगी और किस केस में कम होगी लेट सपोज अगर साल की रिक्वायरमेंट है एट्टी थाउजेंड यूनिट्स की ठीक है मैंने ग्रेटर मान करा है एट्टी थाउजेंड अब अगर वो वन थाउजेंड वन टाइम में लाएगा तो उसे टोटल कितनी बार ऑर्डर परचेज करने मतलब खरीदने जाना पड़ेगा एट्टी टाइम्स राइट और रॉन्ग एक बारी में वन थाउजेंड आ रहे हैं टोटल रिक्वायरमेंट एनुअल रिक्वायरमेंट है एट्टी थाउजेंड यूनिट्स की तो एट्टी टाइम्स जाना पड़ेगा वहीं अगर वो एट थाउजेंड लेके आता है तो कितने टाइम्स जाना पड़ेगा टेन टाइम्स किस केस में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हुई किस केस में ज़्यादा कम हुई सर जब वो 80 टाइम्स जाएगा तो इधर हमारी कॉस्ट क्या होगी हाई होगी क्योंकि हर एक बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी हर एक बार हमारा जो ड्राइवर होगा या जो मटेरियल लोड और अनलोड करेगी वेज लेबर उनको पेमेंट करनी पड़ेगी तो 80 टाइम्स वहीं यहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज कंपेयरटेवली लेस लगेगी और जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो भी कम लगेगी लोडिंग और अनलोडिंग करवानी पड़ेगी ना मटेरियल की टेम्पूज में तो उसके लिए भी हमारे को वेजेस पे करने पड़ेंगे राइट तो अगर हमारा ऑर्डर क्वांटिटी तो अगर मैं डायग्राम में देखूं अगर हमारी ऑर्डर क्वांटिटी लो होती है तो हमारी जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो हाई होती है जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती रहती है मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी एक बार में कितना मटेरियल ला रहे हैं कितना मटेरियल ला रहे हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती रहती है राइट हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती रहती है अब स्टूडेंट के माइंड में आएगा सर कितनी अच्छी बात है एट्टी थाउजेंड का एट्टी थाउजेंड एक ही बारी में ले आओ राइट और रॉन्ग भाई एक ही बारी कॉस्ट लगेगी एक ही बारी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी एक ही बारी वेजिस पे करनी पड़ेंगी तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज जो एट्टी थाउजेंड मटीरियल ले आओगे उसे रखोगे मैं एक ही बारी में एट्टी थाउजेंड मेटीरियल परचेज कराया अरे उसके लिए मेरे को नई शॉप खरीदनी पड़ गई या नया वेयर हाउस खरीदना पड़ गया राइट और रॉन्ग तो वहां पे भी मेरी कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वही कॉस्ट क्या आती है हमारी होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट कि जो हम मटेरियल अपने पास ला के रख रहे हैं उसे मेंटेन करने में उसे होल्ड करने में जो कॉस्ट आती है दैट इज होल्डिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल में जैसे स्टोरेज कॉस्ट हो गई अगर मैं थाउजेंड शर्ट एट थाउजेंड शर्ट्स परचेस कर रहा हूं उसे मुझे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा दैट इज होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट अगर मैं कम मटेरियल एक बारी में ला रहा हूं अगर मैं लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी एक बारी में ला रहा हूं तो मेरी और कैरिंग uh, कॉस्ट कम होगी वन थाउजेंड मेटीरियल संभालने में कम जगह चाहिए एज कंपेयर टू एट थाउजेंड मेटीरियल संभालने में ज्यादा जगह चाहिए ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट लगेगी ठीक है टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है टोटल कॉस्ट हो जाता है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट ये सेटअप कॉस्ट तो जहां हमारी टोटल कॉस्ट जहां हमारी टोटल कॉस्ट अगर टोटल कॉस्ट क्या होगा जहां हमारी टोटल कॉस्ट पहले डिक्रीज होगी हो फिर इंक्रीज़ होगी ना जहां हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी मतलब इतना ऑर्डर हमें करना चाहिए एक बारी में इतना एक बारी में परचेज करना चाहिए और इसी का हमारा फॉर्मूला है ईओ क्यू का जो कि क्या है फॉर्मूला क्या फॉर्मूला ईओ क्यू का अंडर रूट टू एनुअल कंजम्पशन ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन में कैरिंग कॉस्ट ठीक है अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं टू इन टू एनुअल कंजम्पशन दे रखिये सिक्स हंड्रेड यूनिट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट इज टेन रूपर ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वैल्यू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वैल्यू ट्वेंटी परसेंट क्या होगा ट्वेंटी बाई हंड्रेड और वैल्यू कितनी है सर कॉस्ट पर यूनिट है सिक्स तो सिक्स तो अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ इसे तो ये हंड्रेड आ जाएगा ये टू ये टेन ये कट गया ऊपर टेन चला जाएगा तो अगर ऊपर टेन चला जाएगा तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो ये तो आ जाएगा हमारे पास हंड्रेड यूनिट्स सो एट वन टाइम This organization have to order, or purchase hundred units of good. So, its a correct option option number C. We have hundred units. So, the correct answer of this question is option number C, hundred units. Easy question. Tha, and we have discussed in detail what is EOQ concept. let next question. Ki aur. So, next question is we second question. In ABC inventory management system. क्लास ए आइटम में रिक्वायर हाई सेफ्टी स्टॉक्स फ्रीक्वेंट डिलीवरीज, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड ए बी सी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है पहले तो इसको समझ लें तो लेट सपोज इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं तो ए बी सी में वो क्या कहते हैं कि जो भी इन्वेंट्रीज होती हैं उसको हम थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे एक है इन्वेंट्री ए या फिर मैं बोलूँ क्लास ए एक है हमारे पास क्लास बी और एक है हमारे पास क्लास सी क्लास ए में जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स वो आ जाएंगी फिर जो क्लास बी है उसमें इमीडिएट इंपॉर्टेंट मतलब ए से कम्बली इंपॉर्टेंट और क्लास सी में है जो रिमेनिंग बच गई ठीक तो है तो एबीसी बी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक क्या कहती है यू हैव टू क्लासिफाई ऑल क्लासीट्री इनटू थ्री कैटेगरीज क्लास ए क्लास बी क्लास सी इन क्लास ए यू पुट दैट इन्वेंट्री विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट और विच इज ऑफ हाई वैल्यू इन क्लास बी यू क्लासीफाई द इनवेंट्री ऑफ इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस मीन्स लेसर देन ए एंड इन क्लास सी यू पुट द रिमेनिंग इन्वेंट्रीज अब ये तो हो गया हमारी क्लासिफिकेशन अब लेकिन एक इसका कंक्लूजन हम या फिर हम इससे वो इंटर इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या होता है कि जोन सी इन्वेंट्री जो क्लास इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री होती है जो इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री होती है एक्चुअली में जो उसकी आइटम्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं आइटम्स कम होती हैं अगर आप किसी भी चीज़ में देखोगे जो महंगी चीज़ होती है वो क्वान्टिटी कम होती है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है किसी भी बिजनेस का एग्जाम्पल लो और उसमें सोचो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं वो नंबर ऑफ आइटम्स में कर, कम होती हैं लेकिन उनके प्राइजेस भी महंगे होते हैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ लेट सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है मैंने रेंडम एग्जाम्पल लिया कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है अब जो मेटल यूज हो रहा होगा मतलब लेट सपोज वो कार असेंबल्ड हो रही है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में असेंबल्ड में हो रही है तो वो गेट्स बन रहे हैं चेयर्स बन रही हैं उसमें मतलब चेयर्स सीट्स uh, हो गई हमारी और अदर मटेरियल होगा अब जो हमारा कार uh, का इम्पोर्टेंट वो है स्ट्रक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है उधर वो सबसे एक्सपेंसिव होगा जैसे इंजन हो गया वो एक्सपेंसिव होगा और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम पड़े होंगे जितनी रिक्वायरमेंट है इंजन के नंबर ऑफ यूनिट्स कम पड़े होंगे राइट और रॉन्ग और वो एक्सपेंसिव भी है फिर अगर मैं क्लास बी में बोलूँ इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस उसमें भी इन्वेंट्री एज कम्पेयर टू ए थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन कम होगी और उसकी कॉस्ट ए वाले से कम होगी जैसे सीट्स वगैरह हो गई हमारी उसमें कॉस्ट कम है लेकिन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस है उसकी कॉस्ट अब क्लास सी इन्वेंट्री क्या हो गई वो हो गई जैसे स्क्रूज वगैरह चाहिए जो नट बॉल्ट वगैरह चाहिए टाइट करने के लिए वो हमारी क्लास सी इन्वेंट्री हो गई अगर मैं अपनी सिर्फ कार असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करूँ तो उसकी नंबर ऑफ आइटम्स देखो तो बहुत ज्यादा होंगी भाई बहुत सारे स्क्रूज पड़े हैं बहुत सारे नट्स पड़े हैं और उसकी कॉस्ट कुछ खास होगी नहीं एज कंपेयर टू कंपेयर करो इंजन इंजन कम पड़े होते हैं लेकिन कॉस्ट हाई होती है स्क्रूज ज्यादा पड़े होते हैं लेकिन कॉस्ट कम होती है राइट और रॉन्ग तो ए बी सी में हम कैटेगराइज करेंगे और सबसे ज्यादा फोकस वी विल टेक केयर ऑफ क्लास ए इन्वेंट्री और उससे लेस क्लास बी इन्वेंट्री एंड उससे लेस क्लास सी इन्वेंट्री तो और क्वेश्चन इज क्लास आइटम में रिक्वायर हाई सेफ्टी स्टॉक्स फ्रीक्वेंट डिलीवरीज, पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम अपडेटिंग ऑफ इन्वेंटरी रिकॉर्ड तो इसका करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कि हाई सेफ्टी स्टॉक्स होते हैं इंपॉर्टेंस वाले स्टॉक होते हैं राइट right? जरूरी नहीं है फ्रिक्वेंट डिलीवरीज हो पेडिकट्री सिस्टम होना में जरूरी है मतलब जो रिक्वायरमेंट की बात करिए रिक्वायर जो अर्जेंट है वो है हाई सेफ्टी स्टॉक्स क्लासिफाई होते हैं हमारे ए क्लास ए में बाकी रिकॉर्ड्स तो हर एक चीज का रखा जाता है तो मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर इज हेयर ए हाई सेफ्टी स्टॉक्स चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री अगर जिसने मुझे अभी सही से सुना तो अब भी हमने कैरिंग कॉस्ट की बात करी थी तो वाट इज़ कैरिंग कॉस्ट कि जब मैं अपने पास इन्वेंट्री को मैंटेन करता हूँ स्टोर में संभाल के रखता हूँ तो उसमें एक स्टोरेज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है दैट इज कैरिंग कॉस्ट तो कौन सा बेनिफिट नहीं है कि अगर मैं अपने स्टोरेज ज्यादा रख रहा हूं अपना रॉ मटेरियल ज्यादा रख रहा हूं अपने स्टोरेज में क्या बेनिफिट्स नहीं है नॉट है चलो एक एक करके देखते हैं फर्स्ट इज रिडक्शन इन ऑर्डरिंग कॉस्ट राइट और रॉन्ग अगर मेरी कैरिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी कैरिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो मेरे को ऑर्डर्स कम देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल कम होगा अगर कैरिंग कॉस्ट कैरिंग इन्वेंट्री कम होगी तो ऑर्डर ज्यादा देने पड़ेंगे तो दिस इज डेफिनेटली अ बेनिफिट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री कि अगर मैं इन्वेंट्री को कैरी कर रहा हूं ज्यादा इन्वेंट्री को रख रहा हूं अपने पास तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी अवॉइडिंग लॉस्ट सेल्स लॉस्ट सेल्स का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई कंज्यूमर हमसे मटेरियल परचेज करने आया ठीक है और हमारे पास वो मटेरियल स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ था होगा क्या वो हमसे परचेस करने के बजाय हमारे कॉम्पिटिटर में जाएगा और से परचेस कर जाएगा तो दैट इज लॉस्ट सेल्स से अगर हम भी कंज्यूमर हैं तो हमें भी देखा कभी बार हमें एक शॉप पे मटेरियल नहीं मिलता हम इमिडेटली उसके साथ वाली शॉप पे चले जाते हैं उसके कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं राइट और रॉन्ग तो बिल्कुल ठीक बात है इफ आई कैरी अ हाई नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज और हाई क्वान्टिटी ऑफ स्टॉक तो मेरी लॉस्ट सेल्स की सिचुएशन कम होगी तो ये भी एक बेनिफिट है ठीक है नेक्स्ट क्या है रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट अभी बताया वो कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है इन्वेंट्री को कैरी करने में जैसे स्टोरेज कॉस्ट जब मैं एक इंप्लॉय हायर करूंगा जो स्टोरेज को रिकॉर्ड करेगा कि कितना सामान आ रहा है या जा रहा है क्योंकि तो ज्यादा इन्वेंट्री होगी तो उसकी देखभाल के लिए भी गार्ड रखना पड़ेगा दैट इज कैरिंग कॉस्ट बट ये गलत है इधर लिखा रिड्यूसिंग अगर हम कैरी करेंगे इन्वेंट्री हाई तो हमारी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज राइट और रॉन्ग तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट बल्कि इंक्रीज करता है कैरिंग कॉस्ट और लास्ट क्या है अवॉइडिंग प्रोडक्शन शॉर्टेजेस बिल्कुल सही बात अगर हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो प्रोडक्शन में मान लो कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो प्रोडक्शन में यूज होती है तो अगर हमारे पास सर्फिशेंट पड़ी हुई है तो हमारी प्रोडक्शन कभी भी रुकने वाली नहीं है प्रोडक्शन की शॉर्टेजेस नहीं होने वाले सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट ठीक है चले आगे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू अ टाइम नॉर्मली टेकन इन रिसीविंग द इन्वेंट्री सप्लाईज आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर विद द सप्लायर बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन कि जब हमने ऑर्डर प्लेस किया लेट सपोज अगर मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया तो कुछ टाइम लगता है वो ऑर्डर डिलीवर होने में उस टाइम को क्या कहते हैं लेट टाइम रीऑर्डर टाइम मिनिमम ऑर्डर टाइम नन ऑफ दी अबव डायरेक्ट क्वेश्चन है आता है तो आता है नहीं आता, है, नहीं आता तो नहीं आता क्वेश्चन समझ आया लेट सपोज मैंने अगर आज ऑर्डर किया तो मेरे को जो डिलीवरी मिलेगी वो कितने डेज में मिलेगी दैट इज उस वर्ड को क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड कहते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लीड टाइम ठीक तो उसे हम कहते हैं लीड टाइम अगर इसे मैं डिटेल्ड में डिस्कस करूं तो हमारे पास क्या होता है एक रीड और रीऑर्डर पॉइंट होता है मान लो ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक ये स्टॉक लेवल हो गया ये सेफ्टी स्टॉक लेवल हो गया कि यहाँ तक ये सेफ्टी मेंटेन है एक रि रीऑर्डर कर, कर रखा है कि लेट सपोज 200 शर्ट्स होंगी तो मैं री ऑर्डर कर दूंगा और मेरा शर्ट का सेल्स का बिजनेस है तो जब मैं री ऑर्डर करूँगा तो ऑबियस है मान लो उन्होंने कहा कि फोर डेज में डिलीवरी होगी फोर डेज में डिलीवरी होगी तो फोर डेज तक जो सामान यूज होगा वो नीचे आ जाएगा सेफ्टी स्टॉक तक फिर जो फिर ये हमारी ऑर्डर क्वान्टिटी आ जाएगी फिर फुल हो जाएगा फिर यूज होगा फिर मैं री ऑर्डर करूंगा तो ये जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक का दैट इज लीड टाइम मान लो फोर डेज लग रहा है तो दैट इज हमारा लीड टाइम इस टाइम हम ऑर्डर करेंगे इस टाइम हमें ऑर्डर रिसीव होगा फिर फुल हो जाएगा हमारा स्टॉक ठीक समझ आया चले आगे सो so, ये क्वेश्चन का आंसर गलती से मार्क्ड है तो कोई नहीं अब इसको समझ लेते हैं इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस इन्फ्लेशन पीफो मेथड विल प्रोवाइड लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट प्रोवाइड हाइएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट प्रोवाइड हाइएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडिंग हाइएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बट लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक चलो इसका आंसर तो अब आपको डायरेक्टली मिल गया कि ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट लेकिन मजा ये नहीं है कि आंसर मिल गया द पॉइंट हेयर इज टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट कंसेप्ट तो वहां पे आंसर मार्क नहीं मिलने वाला यहां तो चलो बाय मिस्टेक रह गया ये ठीक है पहले कंसेप्ट को समझने पे फोकस करते हैं कंसेप्ट क्या कह रहा है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस मतलब जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है फीफो मेथड में क्या होगा तो पहले तो ये बता दूं दो मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री को मेंटेन करने के फर्स्ट इन फर्स्ट इज फीफो एंड एक होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट लिफो बहुत सारे अलग मेथड्स भी होते हैं लेकिन आई एम डिस्कसिंग हियर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स फीफो लिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट एग्जाम्पल से समझेंगे लिफो और फीफो देखो मेरी एक शॉप है जिधर मैं शर्ट्स मंगवाता हूँ लेट सपोज या कोई मटीरियल मंगवाता हूँ अब ये तो है ना कि एक ही साथ सारा सामान आ रहा है लेट सपोज पहले मैंने शर्ट्स खरीदी आठ रुपए की एट रुपीज की पहले मैंने शर्ट खरीदी एक शर्ट एट रुपीज़ की छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको ताक आप समझ आ जाए और इन्फ्लेशन की सिचुएशन पहले से ही लेके चल रहा हूँ ठीक है जो तो अगली बार जब मैं खरीदने गया तो मुझे महंगी मिली लेट सपोज दस रुपये की मिली उससे अगली बार खरीदने गया तो बारह रुपए की मिली और उससे अगली बार खरीदने गया तो लेट सपोज फोटीन रुपीज़ की मिली ये मैंने सर प्राइजेस क्यों बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है केसेज ऑफ राइजिंग प्राइजेस ऑफ इन्फ्लेशन मैंने पैस ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन ले ली है कि प्राइजेज राइज हो रहे हैं अगर डिफ्लेशन बोला होता तो मैं डिफ्लेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देता आपको अब पहले तो फीफो और लीफो क्या होता है फीफो का मतलब क्या होता है फर्स्ट इन जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब सपोज मेरे पास ये चार तरीके के स्टॉक मार्केट शॉप पे पड़े हैं कुछ स्टॉक पड़ा है मेरे पास आठ रुपीज वाला जो मैंने आठ रुपीज में शर्ट खरीदी थी कुछ स्टॉक पड़ा है जो दस रुपए में खरीदी थी कुछ रुपए में खरीदी थी कुछ फोर्टीन में खरीदी थी मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अब अब ऐसा सारा मटेरियल एक साथ तो बिकता नहीं कुछ पुराना पड़ा होता है कुछ नया होता है पीफो क्या कहता है कि मान लो अब कोई ऑर्डर आया मेरे पास तो सबसे पहले जो सबसे पहले आया वो पहले बाहर जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो पहले मैं एट रुपीज वाला मटेरियल बाहर भेजूंगा फिर टेन रुपीज़ वाला मटेरियल बाहर भेजूंगा फिर फोर्टीन रुप ट्वेल्व वाला भेजूंगा फिर फोर्टीन वाला भेजूंगा और वहीं हमारा लीफो मेथड क्या कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में आया मान लो ये चार तरह के मेरे पास मटेरियल पड़े हैं अब मुझे कोई भेजना है और मान लो चारों सेम शर्ट्स से हैं चारों सेम शर्ट्स से हैं ये ध्यान रखना मान लो ये चारों सेम प्रोडक्ट हैं बिल्कुल सेम है जिससे आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते प्राइस इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ अलग अलग टाइम परचेज करे हुए हमने तो लीफो क्या कहता है जो लास्ट में आया वो फैला जाएगा तो पहले फोर्टीन वाला जाएगा फिर ट्वेल्व वाला जाएगा फिर टेन वाला जाएगा फिर एट वाला जाएगा दैट इज़ लीफो मैथड क्वेश्चन इज हमारा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमें डिटरमाइन करनी है दो चीजें कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को क्या है अगर मैं इरेज कर दूं सारा एक बार के लिए क्या क्या प्राइस थे हमारे पास एट रुपीज टेन रुपीज ट्वेल्व रुपीज फोर्टीन रुपीज दो चीजें एक हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का फर्क क्या होगा क्या वो लोएस्ट होगी या हाइएस्ट होगी एक हमारा प्रॉफिट क्या होगा अगर हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं इन्फ्लेशन सिचुएशन में फीफो मेथड हमने समझा कि पहले कौन सा सामान जाएगा जो सबसे पहले आया है अगर मान लो ये सब एक एक यूनिट्स ही हैं हमारे पास लेट सपोज ये सब एक एक यूनिट्स हैं वन वन यूनिट और आज की डेट में मेरे पास टू यूनिट्स का ऑर्डर आया अगर मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं अगर मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं तो ये दोनों मटेरियल बाहर चले जाएंगे बचेंगे कौन से ये दो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की सर ट्वेल्व प्लस फोर्टीन कितना ट्वेंटी सिक्स रुपीज राइट और रॉन्ग अगर मैं मान लो लिफो यूज कर रहा होता लिफो केस में होता क्या ये दोनों बाहर चले जाते तो क्लोजिंग की वैल्यू क्या बच जाती एटीन रुपीज क्लोजिंग स्टॉक की तो फीफो मेथड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होती है हाई होती है इन्फ्लेशन सिचुएशन में याद रखना मैं सिर्फ इन्फ्लेशन सिचुएशन की बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन सिचुएशन में हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की राइट right आंसर तो हमें पता ही है तो ऑब्वियसली ये वाला तो वैसे ही कट गया और लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये भी कट गया तो हमारे पास है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक राइट और रॉन्ग ठीक ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट अब लेकिन इन्होंने साथ में दूसरी चीज भी पूछी हुई है प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स को कैसे समझेंगे है? हम ध्यान से सुनना सेम केस ले लेता हूं मैं कि हमारी दो यूनिट्स की सेल होनी है आज आज की डेट में हमारे पास चार मेटीरियल बढ़ा है और एक यूनिट की सेल में पंद्रह रुपए में कर रहा हूं अगर मैं फीफो मेथड यूज करता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता सर दो यूनिट्स पे आप अर्न करते रेवेन्यू थर्टी का और आपकी कॉस्ट कितनी थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग एट प्लस टेन एटीन रुपीज तो प्रॉफिट हो जाता है आपको ट्वेल्व रुपीज़ का कोई डाउट और अगर सर हम लीफो यू मेथड यूज करते तो प्रॉफिट तो अभी भी तीस रुपये का ही होता लेकिन कॉस्ट कितनी मानती मतलब लास्ट वाला आउट हो रहा है तो फोर्टीन प्लस ट्वेल्व ये हो गया ट्वेंटी सिक्स रुपीज राइट और रॉन्ग तो ये आ गया हमारे पास फोर रुपीज का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट भी हाई दिखाता है इन्फ्लेशन सिचुएशन में ठीक तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट आप ऐसे ही अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो नॉर्मल सिचुएशन हो जाके चेक कर सकते हो ईजिली अप्लाई कर सकते हो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हमारे हर एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रटने वाली कोई बात ही नहीं है ठीक मैं तो पेपर में करता भी यही था कि उस क्वेश्चन को वहीं पे एक ईजीस्ट एग्जांपल लेके चेक कर लिया क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमेशा कमेंट बॉक्स पे देना है तो द एवरेज एनुअल कंजम्पन ऑफ मेटीरियल टू ट्वेंटी थाउजेंड के जी एट अ प्राइस ऑफ टू पर के जी स्टोरेज कॉस्ट इज सिक्सटीन ऑन एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज रुपीज फिफ्टी हाउ मच इज टू परचेज एट अ टाइम फोर ऑप्शन दे रखें हमें कोतनी ई ओ क्यू मतलब बेसिकली ई क्यू कैलकुलेट करना है जो भी हमने डिस्कस किया अगर आपने सेशन अच्छे से देखा होगा दो मिनट के आंसर दो मिनट के अंदर अंदर आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे ठीक है अब करना क्या है आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को दबा देना है क्यों सर क्योंकि थर्सडे को हर थर्सडे को टू पीएम हमारे साथ सेशन होगा ऑल फॉर टुडे। बाय बाय टेक केयर सी यू सून